हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंकाज किचन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढोकला इडली की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये देखिए, टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे ढोकले का है, बस जो इसकी शेप है वो इडली जैसी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए पहले मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है, जिसे मैंने छन्नी से छान लिया है। इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 नींबू, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्च जिसे मैंने लंबे साइज में काट लिया है, चीनी, राई, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर और 1 गिलास पानी। एक छोटी चम्मच इनो लेंगे बैटर में डालने के लिए। आप चाहे तो इसमें सूजी और दही भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ ओनली बेसन का बना रही हूँ। ये सूजी और दही के बिना भी स्पंजी होगा। अब हम इस बेसन में 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। एक छोटी चम्मच इनो लेंगे, इनो को बैटर में मिला लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम स्टैंड में ऑयल लगा लेंगे। अब हम बैटर को इस स्टैंड में डाल देंगे। मैं यहाँ बैटर को पूरी तरह नहीं भर रही हूँ क्योंकि ढोकला जब फूलेगा तो उसे फूलने के लिए स्पेस चाहिए। मैंने यह तैयार कर लिया इसको भर के। अब हम इसमें पानी डाल देंगे 2 गिलास। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे इसमें डाल देंगे, इसे लगा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देंगे। दस मिनट हो गया है और ढोकला हमारा रेडी हो चुका है। ढोकला हमारा जब तक ठंडा होगा तब तक हम ढोकला के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें राई डाल देंगे 1 चम्मच, 12 से 15 कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 2 चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच नमक। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, लेमन का जूस डाल देंगे। अब हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। ढोकला हमारा ठंडा हो चुका है और हम इसे स्टैंड से निकाल लेंगे। ढोकला हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है, देखिए। और चाकू की हेल्प से इसे निकालते जाएंगे।
मेरे यहाँ ढोकला सारा निकाल लिया है। अब हम ये तड़का ऊपर से डाल देंगे। ऊपर से धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर लेंगे। मैं यहाँ ढोकले को टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको शो करे।